अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली एजुकेशन की न्यूज़ लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट से हर नई आने वाली एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में बात करेंगे बी ए बी एस सी ए डी पी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नेक्स्ट आगे एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट एम ई एम एस सी में, तो वो पूछते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है, ये सारा कुछ ठीक है। तो उसके मतलब मैं बात करने लगा हूँ। देखिए, अगर आपका उसी यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी या जहाँ से आप प्राइवेट एमबीए एमएससी करना चाहते हो, तो पहली बात तो ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो स्पेशल है मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। अगर बीए बीएससी एडीपी आपका पंजाब से ही है तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। फिर अगला मरहला आता है एडमिशन का, तो वो आपने एडमिशन सेंड करने जब एडमिशन ओपन हुए, ठीक है। कंपोजिट तब आप सेंड कर सकते हैं अगर आपका एक या दो साल का गैप हो, और आप वरना आप पार्ट वन और पार्ट टू में एडमिशन सेंड कर सकते हो। एडमिशन जब जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि इनमें जो है वो मेरिट होता है, क्या होता है, कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं हम। कोई मेरिट नहीं होता इसमें। इसमें आपने जितने मर्जी मार्क्स हों आपने एडमिशन जो है वो आपका हो जाता है। प्राइवेट कोई भी इशू नहीं आता। लेकिन अगर थर्ड डिवीजन है तो कोशिश करें कि आप इम्प्रूव कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पर एडमिशन मिल भी जाए लेकिन अगले बार जब जॉब वगैरह पर अप्लाई करोगे तब आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो तीसरी बात के स्टूडेंट कहते हैं कि हम प्राइवेट जो है वो किस किस सब्जेक्ट में एम ए एम एस सी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, या सिर्फ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अगर वीडियो बनवाना चाहेंगे तो वो बता दीजिएगा, उनके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से आप प्राइवेट एम ए एम एस सी सिर्फ और सिर्फ इन सब्जेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, उर्दू में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, अरेबिक में, इस्लामिक स्टडीज़ में, पंजाबी में, पर्शियन में, फिलॉसफी में, फ्रेंच में, एम ए कश्मीरियात में और मैथमेटिक्स में। सिर्फ और सिर्फ ये 13 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप एम ए एम एस सी प्राइवेट घर में बैठ के जो है वो स्टडी कर सकते हो, पेपर्स दे सकते हो, जा ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन 13 सब्जेक्ट में आप प्राइवेट एम ए एम एस सी कर सकते हो। इनके अलावा और जो भी सब्जेक्ट है उनमें आप प्राइवेट जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी फ्यूचर में जब आप अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं। अगर वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हुई तो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हुई, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।